नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाय इति मिश्रा में आपका स्वागत है। अगर आप साउथ इंडियन डिश खाना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। इडली बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच नमक, 1 हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया। साउथ इंडियन चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कटोरी नारियल, 1/2 कटोरी मूंगफली, 2 हरी मिर्च, धनिया, 1/2 स्पून नमक, 2 चम्मच दही। इडली अब हम बनाना शुरू करते हैं। इडली बनाना हम शुरू करते हैं। अब एक बाउल में हम सूजी लेंगे, इसमें हम दही को ऐड करेंगे। दही को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसे एक ही रोटेशन में घुमाना है। अब देख सकते हैं बहुत गाढ़ा है। थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। पानी को ऐड करने के बाद कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है, अभी भी ये बहुत गाढ़ा है। पानी को हमें एकदम से नहीं ऐड करना है, पानी को हमें धीमे धीमे करके ऐड करना है ताकि हमारे बहुत पतला ना हो जाए और ना ही बहुत ही गाढ़ा रहे। इडली का बैटर हमेशा ध्यान रखें, जब भी बना रहे हैं तो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा होना चाहिए। देख सकते हैं कि देखने में कैसा लग रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने अपनी साउथ इंडियन चटनी मिक्स किया है जो हमने बनाई है, कोकोनट मूंगफली नारियल की, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। इसको हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि इससे पूरा साउथ इंडियन इडली का टेस्ट आ गया, ये काफ़ी खाने में अच्छी लगती है। अब इसमें हम कोरिएंडर को ऐड करेंगे बारीक कटी हुई, लाल मिर्च, जो हरी मिर्च है वही मेरी लाल हो गई है तो मैंने उसको भी ऐड कर लिया। देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस को ऑन करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। अब मेरे पास इडली स्टैंड है, साँचा है, इसमें हम ऑयलिंग के सब में ग्रीसिंग करेंगे। ऑयलिंग की ग्रीसिंग करने से इडली हमारी चिपकेंगी नहीं। अगर आपके पास इडली साँचा नहीं तो आप किसी भी बाउल में बना सकते हैं जो नीचे से जिसकी तली बराबर हो। अब हमने इसमें इनो को ऐड कर लिया है। इनो को ऐड करने के बाद हम जिस रोटेशन में पहले घुमा रहे थे उसी रोटेशन में हमें अभी भी घुमाना है। अभी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फूल गया है, ये अभी भी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है इसलिए मैंने पानी को ऐड कर लिया है। अब हम इडली साँचे में 1 ही चम्मच डाल ले रहे हैं। इसको मीडियम आंच में हमें चढ़े रहने देना है 10 से 15 मिनट के लिए। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फूल गई है। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखना है। जब ठंडा हो जाए तो इसको हम चम्मच की सहायता से इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे इस तरीके से। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो अभी से खाने का मन कर रहा है। अब मैंने सभी को निकाल लिया है। देख सकते हैं
साउथ इंडियन चटनी के साथ सर्व किया है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। कोकोनट मूंगफली का पूरा फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छी है। आपको जरूर किसी एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से आपके लिए नई नई रेसिपी लेती हूँ। Thank you for watching.